हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है फर्स्ट नवरात्रि और ये मैं कर रही हूँ आज मंदिर की सफाई, क्योंकि ये आज से शुरू हो गई है नवरात्रि। तो ये मेरा नवरात्रि से एक दिन पहले का ब्लॉग है और मैंने उस शाम को ही उस दिन पूरी मंदिर की सफाई कर दी थी, जो भी पर्दे वर्दे धोने हैं सब कुछ पहले ही कर दिया था, क्योंकि उस दिन इतना टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग में। फिर माता रानी को सजाना और उनका आसन बनाना, इन सब में ही पूरा टाइम निकल जाता है, बच्चों को देखना। और श्रेयान की भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रखी है, तो फिर मैंने एक दिन पहले ही सब कुछ कर लिया, मंदिर के बर्तन धोना और मंदिर साफ़ करना, ये सारा कुछ मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। अगर हम सफाई पहले ही कर लें तो हमें व्रत वाले दिन इतना सारा काम नहीं होता है, सिर्फ मंदिर का ही होता है। और अगर सफाई पहले से ना करें तो बहुत सारा काम हो जाता है, फिर समझ में भी नहीं आता कि कैसे करें क्या करें। तो इसलिए ये सबसे अच्छा है कि आप पहले से ही फर्स्ट दिन ही आप सब कुछ कर लो और अगला दिन आपको एकदम फ्री मिले कि आप आराम से पूजा पाठ कर सकते हो। तो ये मैं मंदिर की ड्रॉअर साफ़ कर रही हूँ, इसमें मतलब जो भी सामान होता है मंदिर का वो सारा मैं इसी ड्रॉअर में डालती हूँ। ये हमारा छोटा सा एक लकड़ी का मंदिर है और मैंने एक रखा है इसको स्टूल के ऊपर, इसको भी मैंने कवर करना है पर इतना टाइम ही नहीं मिलता है। मंदिर के जो पर्दे भी मैंने खोले वो मैंने खुद से बनाए हैं, मैं कपड़ा लेके आई और मैंने पर्दे सिले, फिर लेस वेस लगा के मैंने वो पर्दे तैयार कर रखे हैं। तो चलिए करते हैं मंदिर की सफाई। मंदिर मैंने साफ़ कर लिया है, अब मैं धो रही हूँ मंदिर के बर्तन और ये मैं धोती हूँ पीताम्बरी से, क्योंकि एकदम से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और हाथ से अगर आप पीताम्बरी लगा के मतलब बर्तनों को रगड़ोगे तो बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। अगर आप बर्तन धोने वाले उससे स्क्रब से करोगे तो इतने साफ़ नहीं होते हैं। देखो इस तरह से आप अगर बर्तनों को वॉश करोगे तो ज़्यादा अच्छे से धुलते हैं। तो मैं भी हमेशा इसी तरीके से धोती हूँ सारे के सारे बर्तन और देखना इतने अच्छे शाइन करेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें, हाथ थोड़े से काले हो जाते हैं पर बर्तन सच में बहुत अच्छे चमक जाते हैं। सारे बर्तन मैंने अच्छे से वॉश कर लिए और देखो भगवान जी इतने अच्छे से चमक रहे हैं, शाइन मार रहे हैं और मेरा लोटा भी बहुत और प्लेट भी बहुत अच्छे से चमक रही है। तो फ्रेंड्स अब आ गया है नवरात्रि का फर्स्ट डे आज, तो मैंने मंदिर की कल ही क्लीनिंग कर दी थी, अब मैं मंदिर को अच्छे से सजा रही हूँ, जो भी जहाँ पर रखना है वो रख रही हूँ। और मैंने ऐसे माता का यहाँ पर आसन लगा रखा है, ये है शानू का स्टडी टेबल,
तो मैंने इसी में रखा है क्योंकि मेरे पास कुछ है भी नहीं रखने को। और पिछले साल मैंने एक पेटी में दुपट्टा रेड कलर का दुपट्टा लगा के करा था, तो इस बार मैंने स्टडी टेबल पे किया है। थोड़ा ना अलग से हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मंदिर बहुत छोटा सा है तो इतने अच्छे से पूजा नहीं होती है। और मैंने रखा है वहाँ पे कलश, अभी मुझे आम के पत्ते नहीं मिले हैं, आम के पत्ते मिलेंगे, यहाँ मिलते नहीं है ना इतनी ईजीली, तो मैंने अभी लगाए नहीं है। फिर मैं आम के पत्तों से कलश को अच्छे से डेकोरेट करूँगी। और कल मैं लेके आई थी कुछ सामान मंदिर का, ये माता की माला, तो मैं अभी सब कुछ तैयारी करती हूँ। आज शानू मनी की भी छुट्टी है तो इनको तैयार करना, टिफिन इफिन का कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं था, तो बस मैं नहा धो के अपना घर का सारा क्लीनिंग करके आराम से बैठ गई हूँ मंदिर पे, और आराम से पूजा पाठ करेंगे, फिर हम लोग मंदिर भी जाएंगे। तो बच्चे भी यहाँ दोनों खेल रहे हैं और शानू की भी तबीयत आज थोड़ा ठीक है, शानू ने अपना जॉर्ज पकड़ लिया है और उसके साथ खूब मस्ती कर रहा है। और मैं माता को यहाँ सजा रही हूँ, सारा मंदिर मैंने अच्छे से सजा लिया है, पर्दे लगा दिए हैं, माता के नए वस्त्र मैंने पहना दिए हैं, माला पहना दिए, और अब मैं करूँगी दिया बत्ती। बच्चे भी यहाँ खूब एक्साइटेड है क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ घर में फेस्टिवल होते हैं, हम रात को भजन भी करते हैं, तो मनी तो बहुत खुश होता है कि नवरात्रि है, पूरे 9 दिन हम लोग भजन करेंगे और समय तो इतना टाइम नहीं होता है, फटाफट से दिया बत्ती करो, बच्चों को पढ़ाओ, तो नवरात्रि में हम आराम से बैठ के भजन कीर्तन करते हैं। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, ज़्यादा तो मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है, पर जितना आता है अपने हिसाब से मैं बहुत अच्छे से करती हूँ मुझे ऐसा लगता है। तो फटाफट से अब भगवान जी को सबको टीका भी लगा लिया है, अब बच्चे बैठते हैं बोल रहे हमें भी मम्मा जल्दी टीका लगाओ, तो शानू मनी टीका लगाने बैठ गए हैं और दोनों के पास इनका एक एक टैडी भी है, बोल रहे हैं इनको भी लगाओ, शानू का तो जॉर्ज है और मनी भी आजकल शानू को देख के टैडी बियर लेके आया है, बोल रहा है उसको भी लगाओ, तो मैंने कहा पहले आप लोग लगा लो फिर उनको लगाते हैं। तो दोनों बैठे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये ज़्यादा इसलिए खुश है कि इनके टैडी को और जॉर्ज को भी लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड है। तो देखो अब दोनों को लगाओ, यहाँ पर लगाओ, दोनों बता रहे हैं कि कहाँ पर लगाना है टीका। हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। हमने सोचा फर्स्ट नवरात्रि है तो माता के दर्शन करके आते हैं मंदिर, यहाँ पर ही एक बगल में मंदिर है तो हम लोग वहाँ गए हैं। आज बच्चों की भी छुट्टी है तो बच्चों को भी थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। तो ये है माता रानी का मंदिर, यहाँ पे शिव जी का भी है, माता रानी का भी है और राधा कृष्ण का, मतलब सबका ही मंदिर है। हमारे जाने तक यहाँ मतलब आरती चल रही थी तो हम लोग आरती में भी आ गए हैं। काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने घर पे कुछ मीठा नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ कुछ मीठा, और आज फर्स्ट नवरात्रि भी है तो बहुत अच्छा टाइम भी है, तो आज मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरा घी, मैंने मेजरमेंट तो नहीं किया है पर शायद ये 250 ग्राम होगा, और ये मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद जितना भी आप घी लो उतना ही बेसन भी लेना पड़ता है, पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया है। उसके बाद बेसन को अच्छे से भून लेना है, मतलब इसका कलर भी अच्छा हो जाए, और फ्लेम ना मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं चलाना है, अगर आप हाई फ्लेम पे चलाओगे तो ये जल जाएगा, इसलिए इसका फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखना है। और मैंने अच्छे से चला लिया और मुझे इसको मतलब भूनने में कम से कम आधा घंटा या 25 मिनट इतना तो लग ही जाता है, अच्छे से जब इसमें घी ऊपर तक आ जाए इतना इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब बेसन घी में इस तरह से मिल जाए, देखो अब घी ऊपर से दिखने लग गया है ना, तो इतना आपको चलाना है कि अच्छे से घी ऊपर से निकल आए। उसके बाद ये आपका हो गया है रेडी बेसन तैयार। अब हम इसको थोड़ी देर आधा घंटा रख देंगे ठंडा करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो इसमें अभी कुछ भी नहीं डालेंगे।
ठंडा करके फिर उसके बाद इसमें चीनी, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो फिर डालेंगे। बेसन अच्छे से ठंडा हो गया है, फिर मैंने इसमें मिला दी पीसी हुई चीनी और पीसे हुए बादाम। इसको अच्छे से मिक्स करना है। बेसन को ध्यान रखना है कि अच्छे से ठंडा ना हो, थोड़ा सा मतलब गरम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। अगर आपका जो ये बैटर है वो ज़्यादा ठंडा हो जाए तो हल्का सा गैस ऑन करके फिर से आप इसको गरम कर लो, फिर इसमें चीनी मिला के अच्छे से मिक्स करके फिर अब करते हैं इसके लड्डू तैयार। तो अगर आपका थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा आपका अगर बैटर है तो आप इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जितना भी आप घी मिलाओ, पर मेरा घी एकदम परफेक्ट हो रखा है तो ये लड्डू आराम से बन जा रहे हैं, इतने ईजीली से बन जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं लड्डू। सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं और ये मैंने प्लेट में सजा के डेकोरेट कर रखे हैं। आप काजू बादाम किसी से भी डेकोरेट कर सकते हो। और आज शाम को फर्स्ट नवरात्रि के दिन ही हमारे घर आए हैं आज बेड। हमने बहुत दिनों से बनवाने के लिए दिया था पर मेरे को टाइम ही नहीं हो रहा था और यहाँ बारिश भी बहुत थी तो बन ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली बेड आ चुका है, जब बच्चों को बहुत दिन से इंतज़ार था कि हमारा न्यू बेड आने वाला है। तो ये है बेड, अभी वो लोग सामान ला रहे हैं तो अभी अच्छे से मतलब पूरा नहीं ला रखे हैं, जोड़ा नहीं। ये है कुछ 2 ड्रॉर है उसकी और बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि हम यहाँ पे ये रखेंगे वो रखेंगे, इन्होंने पूरी प्लानिंग बना दी है कि कौन से रैक में क्या रखेंगे। ये बेड हम लोगों ने खुद से डिज़ाइन करके दिया था उनको, तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए यही वाला बेस्ट रहेगा टॉय रखने के लिए। और ये भैया लोग अभी लगा रहे हैं बेड को। तो फ्रेंड्स अब मैं ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करती हूँ और मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।